हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 से नया टॉपिक आता है, कॉल्स इन एंड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है जी, जब पैसे मांगने पे नहीं दिए जाते हैं वो होता है कॉल्स इन एरियर, और जब पैसे बिना मांगे ही पहले ही मिल जाते हैं होता है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, क्लियर। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 देखो, घोष लिमिटेड मेक सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 2 पर शेयर। द होल अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स अलॉटेड टू वेंकट। पास एंड असेसरी जनरल एंट्रीज एंड कॉल मनी ड्यू रिसीव्ड बाय द ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। देखो जी, डेट थी 1 जनवरी 2006 को इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कितने शेयर हैं ये? 50,000 शेयर हैं, 1 लाख रुपए मांगे गए। प्रॉब्लम ये हुई कि 100 शेयर वाले ने पैसे नहीं भेजे, बैंक अकाउंट डेबिट। आपने 50,000 शेयरों से मांगे हैं जिसमें से कि 100 शेयर्स वाले ने पैसे नहीं भेजे, तो कितनों ने भेजे? 49,900 वालों ने पैसे भेज दिए 2 रुपए के हिसाब से। ठीक है, जो नहीं मिला वो लॉस हो गया, उसे डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी, हम सोच के चल रहे थे कि बैंक में 1 लाख रुपए आ जाएगा, पर 100 रुपए, 100 शेयर वाले ने पेमेंट नहीं भेजी, ये शॉर्ट रह गए 99,800 बैंक में आ गए। 99,800 क्या आ गए बैंक में, करो नोट। क्वेश्चन नंबर 24, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी बिकम ड्यू, मनी रिसीव्ड, गॉट इट? करो जी, ठीक है जी। 24 कंप्लीट, सम टाइम टाइम से पहले भी मिल जाता, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस, जो कि अगले क्वेश्चन में आएगा 25 में। क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, उसका एक ब्रेकअप बना लें, उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। कहता ए लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख इन शेयर ऑफ 10 एंड इशूड एट 20,000 सच शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। पूरा क्वेश्चन पढ़े पहले, पेबल 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो टोटल अभी फुली कॉल्ड है या नहीं ये भी देखना पड़ता है। ठीक है, ओके। ऑल मनी वॉज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ड्यूली रिसीव्ड, द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, 1 शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन होल्डिंग ऑफ 300 शेयर एंड अनदर शेयर होल्डर 1,000 फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, पूरा ब्रेकअप बनाओ, क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश करो। 20,000 शेयर ऑफ ₹10 एट प्रीमियम 2, एट प्रीमियम 2। ठीक है जी, 2
ऑन एप्लीकेशन, फाइव ऑन अलॉटमेंट इन द ब्रेकअप ऑफ 3+2, टू इज प्रीमियम, टू ऑन फर्स्ट कॉल एंड थ्री ऑन फाइनल कॉल है जो कि नॉट कॉल्ड, मांगी ही नहीं गई। ठीक है जी, हुआ गया 1000 शेयर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भेजा, प्लस 300 ने एडवांस फाइनल कॉल भेज। अगर आपने लिखा होगा तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 20,000 शेयर इंटू टू कितना हो गया 40,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या, पहली एंट्री, एंट्रियों के नंबर होते हैं, जहां तक ठीक करोगे वहां तक तो नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, अलॉटमेंट बनाते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अलॉटमेंट का पैसा भी बड़े प्यार से आराम से आ गया, रिसीव कर लो। आपने बोला 1,00,000 अलॉटमेंट का पैसा भेजो, उन्होंने भेज दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थ्री शेयर फर्स्ट कॉल, यहां प्रॉब्लम आने वाली है, ध्यान रखना। फर्स्ट कॉल तो आपने 20,000 शेयरों की 2 रुपए के हिसाब से मांग ली, कितना हो गया 40,000। आप सोचो बैंक में 40,000 पहुंच जाएंगे, किंतु परंतु बैंक की एंट्री ध्यान से करना। आपने सोचा 40,000 पे आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं, 1000 वाले ने तो पैसे ही नहीं भेजे और 300 वाले ने फाइनल कॉल भी भेज दी, बैंक में पहुंचे कितने, ध्यान से देखो 48,900। ठीक है जी, जो नहीं आया वो लॉस है, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट दैट इज 2000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है जी, 38,000 टू कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट 300 × 3 एडवांस है। एंट्री का डेबिट क्रेडिट टैली करना चाहिए हर हालत में। ठीक है जी, करो नोट। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ये चल रहा
ठीक है जी। अब बनानी है बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 25 चल रहा है। बैलेंस शीट ऑफ जो भी नाम है लिखेंगे, सीरियल नंबर, नोट्स नंबर एंड अमाउंट। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स नंबर, डिटेल, लो जी। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनता है। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आएगी शेयर कैपिटल। इसमें आती है ऑथराइज कैपिटल। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है टोटल कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब है टोटल कैपिटल। 50,000 शेयर है हमारे पास, टोटल 10 रुपए वाले। ये तो अपना यहां क्लोज। ऑथराइज के बाद इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। पेड अप मीन एक्चुअली पेड बाय पब्लिक, ठीक है जी। कितने शेयर इश्यू करे हुए हैं? 20,000 शेयर। ऑफ ₹10, 7 crore, ठीक है जी। कितने के हो गए? 1,40,000। लेस कॉल देन एरियर, 1,000 वालों ने पैसे नहीं भेजे, तो ये कितनी मनी जाएगी? 138, ठीक है जी। ये होगी 138। उसके बाद नोट्स नंबर टू, रिजर्व एंड सरप्लस। ₹20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ₹20,000 शेयरों के 2 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 40,000, ठीक है जी। नंबर थ्री, अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी जो एडवांस मिली, एडवांस कॉस्ट 900। नंबर चार, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। वो आप सारी एंट्रीज बैंक की ऐड कर लेना, कैश एट बैंक आ जाएगा। दैट इज कैश एट बैंक है हमारा 1,78,900, ठीक है ना, 1,78,900। अब बैलेंस शीट की तैयारी करेंगे। सीरियल नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नोट नंबर 1 यूज करने जा रहा हूं इसका। सबसे पहले वो हेडिंग आएगी शेयर होल्डर फंड। शेयर कैपिटल जो शेयर होल्डर्स का होता है, जो उन्होंने पे कर रखा है। कितना पे कर रखा है? 1,38,000। नोट नंबर 1 से उठा रहा हूं ये सारा शेयर कैपिटल। एक लाख अठतीस हजार। नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस,
रिजर्व एंड सरप्लस कितना है जी? प्रीमियम आपका 40,000, ये आ गया शेयर होल्डर फंड, ठीक है जी, 178। अभी लायबिलिटी साइड कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट, नोट नंबर 3 से, ये तो 2 से आ गया ना, शेयर कैपिटल और ये शेयर कैपिटल की बात करें, करंट लायबिलिटीज, जिसमें कि आपका क्या आ रहा है, एडवांस कॉल्स, ये आया नोट नंबर 3 से 900 रुपए। अब पूरी लायबिलिटीज जाके कंप्लीट होगी 178,900, ठीक है जी। सीरियल नंबर 3 एसेट्स में हेडिंग करंट एसेट्स, जिसमें हमारे पास क्या है, कैश एट बैंक मात्र 170। एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैच करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया। करो जी नोट, कंपनी का नाम क्या है, बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, अगेन रिपीट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सारा ना सारा खेल ब्रेकअप का है, ब्रेकअप ढंग से बना लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। कहता एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10, 5 कॉल्ड, 5 मांगे हैं, 2 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ऑन सेकंड कॉल, ठीक है जी। 8,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 एट रुपीज 5 कॉल्ड, 2 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल। अगर आपने ये बनाया होगा माइंड ब्लोइंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले ए के बारे में बोला गया, ए हु होल्ड 250 शेयर्स पेड नथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, ए ने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, ना उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना फर्स्ट कॉल का दिया, ना सेकंड कॉल, ऐसा लिखा होगा तो आपके लिए क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। बी हु होल्ड 500 शेयर नथिंग पेड आफ्टर अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट तक दिया, आगे पैसे नहीं दिए, ठीक है जी। फिर सी हु होल्ड 1250 शेयर पेड नथिंग आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद उसने भी कुछ नहीं दिया। पहले तो आप एंट्रियां बनाए, एंट्रियां पूछी और बैलेंस शीट पूछी उससे, 250 750 या 2000 शेयर्स के डिफॉल्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आउट 8,000 शेयर, पर शेयर 2 रुपीज, शेयर एप्लीकेशन तो सारे पैसे देते ही हैं, एप्लीकेशन पे नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे, 2 शेयर कैपिटल।
फर्स्ट स्टेप खत्म, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, रिसीव कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट। देखो 250 शेयर्स वाले ने अलॉटमेंट नहीं भेजी, तो ये क्या हो गया, एरियर हो गया, अलॉटमेंट इन एरियर अकाउंट डेबिट 250। हम सोच रहे थे बैंक में 8000 आ जाएंगे, पर 250 आए ही नहीं, तो बैंक में पहुंचे कितने, 7750 टू शेयर अलॉटमेंट, देन शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अब 750 वालों ने 1 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं भेजे, आप सोच के चल रहे हैं बैंक में 8000 आएंगे, पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 750 वाले तो पैसे आए ही नहीं, बैंक में पहुंचे कितने, 7250 टू शेयर फर्स्ट कॉल इन एरियर, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, नंबर 4 शेयर सेकंड कॉल, क्योंकि पूरे कॉल नहीं है, सेकंड ही लिखना पड़ेगा, फाइनल नहीं लिख सकता, आठ हजार शेयर इंटू एक, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, 2000 शेयर इंटू एक कितना हो गया, 2000, बैंक में कितने पहुंचे, 6000। करो जी नोट, अब इनकी बैलेंस शीट भी पूछी है इन्होंने, ढाई सौ ये नहीं है, 3500 नहीं है, ठीक है, लो जी, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, 26 का खैर पहले बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, नोट्स नंबर, अमाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स,
नोट्स बन सबसे पहले आती है शेयर कैपिटल, उसमें आएगी ऑथराइज्ड कैपिटल, कुछ मेंशन नहीं, कुछ मेंशन नहीं। ऑडिट ऑथराइज के बाद इशूड सब्सक्राइब्ड पेड अप 8,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 कॉल्ड 5 कॉल्ड, ठीक है जी, कितना हो गया 40,000 लेस कॉल्स इन एरियर। 250 शेयर वालों ने 1 रुपया नहीं दिया, 500 वाले ने 2 रुपए नहीं दिए और 2000 वाले ने 1 रुपया नहीं दिया, सबने 1 रुपया नहीं दिया, सॉरी 250 वाले ने 3 नहीं दिए, सॉरी 3 नहीं दिए, इसने 2 नहीं दिए, इसने 1 नहीं दिया, 3000 रुपए शॉर्ट रह गए। तो कितने आ गए जी 37,000। नोट्स नंबर 2, और तो कुछ है नहीं प्रीमियम, मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कैश एट बैंक दैट इज ऑल्सो 37,000। आओ जी सबसे पहले को लिखना है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले आएगा आपका पेड अप वाली शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नोट्स नंबर 1 से लिए जी 37,000 खत्म, और कुछ नहीं है यहां पर, ठीक है जी। सीरियल नंबर 2, फिर आते हैं आपकी एसेट्स नोट नंबर 2 से, करंट एसेट्स दैट इज कैश एट बैंक दैट इज ऑल्सो 37,000। फिनिश एसेट्स एंड लायबिलिटी मैच कर लीजिए, करिए नोट। ठीक है जी, आई होप आपने कर लिया होगा, पॉज द वीडियो कॉपी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, लो जी 27 कहता है 1,00,000 रुपए की सेकंड कॉल बनाई गई, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लगाऊ, 1,00,000 शेयर जिनसे पर शेयर 2 रुपए लेने हैं 2,00,000, ठीक है जी। बनाने की डेट है, डेट दी हो तो जरूर लिखनी है 1 मार्च। हमारा कोई एक अच्छा शेयर होल्डर था, उसने क्या किया, दो लाख तो बैंक में आई, उसके बाद 800 शेयर थे 3 रुपए के साथ, उसने फाइनल कॉल भी भेजी, तो बैंक को तो रिसीव करने पड़ेंगे। बैंक को क्या मतलब है, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल में कितने आ गए जी 2,00,000। टू कॉल्स इन एडवांस लिखते कि कंपनी के लिए गए ना पहले से, आगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कोई मुश्किल
simplest questions. Hello ji, pause the video and copy the answer. 27th ho gaya. Ab chalte nayi cheez aati hai aapke samne, issue of share for purchase consideration. Jaise humne kya kiya, koi assets khareedi, uske badle mein shares de diye. Issue of shares for purchase consideration. इसका हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू जो शेयर दे रहे हैं प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे. ठीक है जी, चलो जी क्वेश्चन नंबर 28 से. कहता है 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 वर इशू टू एक्स लिमिटेड होम एसेट ऑफ 25,000 has required. आपने किसी से assets खरीदी है 25,000 रुपए की. Assets account debit 25,000 और उसको offer क्या कर रहे हैं, 2000 equity share X limited account 20,000 के shares दे रहे हैं और बाकी क्योंकि आपने कम दिए तो आपके लिए क्या है ये gain. Gain को क्या बोलते हैं, capital reserve. आपको 25,000 की asset मिल गई, 20,000 के शेयर देंगे तो ऑब्वियस है ये तो आपने रिसीव किया, फिर आपने उसको शेयर्स दे दिए. बीइंग एसेट एक्वायर्ड कैपिटल प्रॉफिट मेड, बीइंग एसेट्स रिक्वायर्ड कैपिटल गेन कैपिटल प्रॉफिट मेड. पर अब एक्स लिमिटेड को उसके बदले में शेयर्स दे दिए गए. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 शेयर ऑफ 10 फिनिश. बीइंग शेयर अलॉटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 28. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 29. लो जी, ए लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर ऑफ 100 विच वर एट ए प्रीमियम ऑफ 25% फॉर फुली पेड अप परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ रुपीज 1,00,000. हमने 1,00,000 की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू किसको, नाम कुछ नहीं दिया तो वेंडर लिख देते हैं, वेंडर्स अकाउंट 1,00,000. हमने इसके 1,00,000 देने हैं, वी आर रेडी टू गिव हिम शेयर्स. वेंडर्स अकाउंट डेबिट 1,00,000 जो शेयर दे रहे हैं प्रीमियम पर दे रहे हैं 25%. 1,00,000 डिवाइडेड बाय 125. ठीक है जी, 800 शेयर निकले उसके, 800 शेयर देंगे कौन से वाले दे रहे हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल. टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20,000. 29 भी हो गया, नाम जरूर लिखना है जिससे भी खरीदी है.
एसेट खरीदी है जी 5 लाख रुपए की गीता एंड कंपनी से. पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी. कितने खरीदी हैं ये एसेट्स? 5 लाख रुपए की, जिसमें से कि हमने 1 लाख वाला पोर्शन कैश में दे दिया. गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है जी. देन गीता एंड कंपनी को बाकी दे देंगे शेयर. शेयर कैसे दे रहे हैं ध्यान से देखो. 3 लाख 4 लाख रुपए बाकी देने हैं. जो नई चीज दे रहे हैं कितने की दे रहे हैं? 10 रुपए वाला शेयर 25% प्रीमियम पर. लो जी, गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 32,000 इंटू 10 3,20,000. 32,000 इंटू 2.5 रुपए प्रीमियम ले लिया, वो गेन है. टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 31 ने फर्नीचर खरीदा 2,20,000 रुपए का. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीडी लिमिटेड, जिसका जनरल मजबूत है सब कुछ. सीडी लिमिटेड कितने का फर्नीचर खरीदा? 2,20,000. नरेशन आप आराम से लिख सकते हैं स्पीड. सीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट ए प्रीमियम ऑफ 10. 2,20,000 देने हैं, 100 रुपए वाला शेयर 10% प्रीमियम 2,000 टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2,000 × 100 कितने के हो गया? 2,00,000. बाकी हो गया प्यारा सा प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000. करो जी. Pause the video and copy the answer. Question number 32. लो जी, करना क्या है? सामान खरीदा जी, मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, उसके बदले में शेयर दे दिए 10 रुपए वाला 25% फ्री. मशीनरी अकाउंट डेबिट. डेबिट व्हाट कम्स इन? टू फेयर लिमिटेड. फेयर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए देने हैं. क्या दे रहे हैं? 10 लाख रुपए देंगे, 10 रुपए का शेयर 2.5 यानी कि 80,000 शेयर डाले. कौन से दिए हैं? इक्विटी दिए हैं, प्रेफरेंस दिए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल.
80,000 into 10. 80,000 into 2.5 to security premium reserve account 2 lakh. Question number 33. Jain Limited ने in the books of Jain Limited machinery खरीदी 10 लाख के 50% on the spot दे दिया, बाकी के shares. Machinery account debit. Ayer Limited कितने का लिया जी, 10 लाख रुपए. Ayer Limited account debit 5 लाख रुपीज हमने on the spot दे दिए. Adam अपना पकड़ो जी, बाकी हम देने जा रहे हैं shares to security premium reserve account. 5 lakh कितने का दे रहे हैं जी शेयर, 100 वाला at 25% premium. चार 4000 शेयर निकले 100 वाले, 4 लाख. बाकी क्या हो गया, प्रीमियम. ठीक है जी, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो. 33 पे पहुंच गए, 5 क्वेश्चन और खत्म, फिर फॉरफीचर शुरू हो जाएगा. ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. शो दिस मशीनरी खरीदी है मोना लिमिटेड से, कितने खरीदी है मशीनरी, 17 लाख की. बीस परसेंट एडवांस दे दिया, बीस परसेंट ऑन द स्पॉट दे दिया, बाकी बचे उसके बदले में शेयर्स देंगे. सत्रह से 13,60,000, 13,60,000 डिवाइडेड बाय क्या देना चाहते हैं, शेयर देना चाहते हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, 100 + 25 to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. दस हजार 880 2,72,000. ठीक है जी, 34 के बाद पहुंच गया 35 पे. 35 में मैं देखो क्या है, पैंतीसवें में नया पॉइंट आ जाता है इनकॉर्पोरेशन.
छत्तीसवा और उनतालीसवा पहले करा देता हूँ, मिलते जुलते क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, एसेट्स खरीदी है, ठीक है जी। कहता है कि 30,000 इक्विटी शेयर देंगे 10 रुपए वाले, यानी 3,00,000 रुपए एसेट्स आई हैं, लाइबिलिटीज आई हैं, ठीक है ना। 30,00,000 के शेयर, प्लांट अकाउंट डेबिट। प्लांट कितने खरीदा है? 7,00,000। स्टॉक खरीदा है 9,00,000 का। ठीक है जी। लैंड एंड बिल्डिंग 12,00,000। पहले एक जैसे करोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है जी। लैंड एंड बिल्डिंग भी ली है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं जी उनके 2,00,000 के। नाम देने कितने हमने उनको, वेंडर को, शर्मा एंड कंपनी को 30,00,000 रुपए। ध्यान से देखा जाए 7, 9, 16 और 12, 28 4,00,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। वो क्या है? गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट 4,00,000। ये ध्यान रखना, ऐसे लिख लेना बैलेंसिंग फिगर, ये दी नहीं हुई, क्रिएट करिए। शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने की देरी? 30,00,000। अठतीस के बाद 39 भी खींच देते हैं। एक जैसे क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज, ठीक है जी। इसमें एसेट्स तो आपने ले ली, कैपिटल रिजर्व आएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,00,000, टू अ कंपनी परचेज रनिंग बिजनेस मैसेस ब्रदर अ सम ऑफ 15,00,000 पेबल 12,00,000 एंड तो लिख देंगे टू मैसेस राय ब्रदर्स 15,00,000। इसमें कैपिटल रिजर्व आ गया 1,00,000, क्योंकि डेबिट साइड अभी भी ज्यादा एसेट ज्यादा मिली है और पेमेंट हम कम कर रहे हैं। ये बैलेंसिंग वगैरह कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी। अब मैसर्स राय ब्रदर्स पंद्रह लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 12,00,000, टू बैंक अकाउंट 3,00,000, फिनिश। अभी बीच के 3 क्वेश्चन छोटे अंडर राइटर वाले, वो अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, जिससे फॉर फ्यूचर शुरू होता है।